नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज में। एमपी की राजधानी भोपाल से भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को हत्या की धमकी मिली है। जी हां, बताया जा रहा है कि साध्वी प्रज्ञा को शुक्रवार को देर रात जान से मारने की धमकी दी गई है। फोन करने वाले अज्ञात शख्स ने खुद को दाऊद गैंग से जुड़ा हुआ बताया। हालांकि अब साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने इस मामले पर FIR दर्ज करा दी है। मिली हुई जानकारी के मुताबिक बताते चले कि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर शुक्रवार की देर रात जब कार्यालय से घर लौटी थी, तभी उन्हें फोन पर धमकी दी गई। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में दिख रहा है कि साध्वी एक बड़े से मैदान में बैठी दिख रही है और फोन पर एक शख्स से बात कर रही है। फोन पर धमकी देने वाले शख्स ने खुद को इकबाल कास्कर का आदमी भी बताया है। इकबाल कास्कर भगोड़े गैंगस्टर और मुंबई बम धमाकों का मुख्य साजिशकर्ता दाऊद इब्राहिम का भाई है। वीडियो में सुना जा सकता है कि साध्वी प्रज्ञा फोन करने वाले शख्स से पूछती है कि तुम मेरी हत्या क्यों करना चाहते हो, तो शख्स ने कहा कि जब मारेंगे तब बताएंगे। ऐसे में साध्वी ने फिर से पूछा कि आखिर कारण तो बताओ, मैंने किया क्या है। इस सवाल पर धमकी देने वाले शख्स ने कहा कि मुझे केवल सूचना देनी थी, इसलिए दे दी। मुसलमानों को निशाना बनाती हो और उनके खिलाफ जहर उगलती हो, इसलिए ही हत्या कर देंगे। ऐसे में फिर से साध्वी ने कहा कि बस यही कारण है। तो शख्स ने कहा, जल्दी सब कुछ पता चल जाएगा। इस साध्वी ने कहती है कि ऐसी धमकियाँ से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इस मामले में साध्वी प्रज्ञा ने धमकी वाले फोन कॉल की रिकॉर्डिंग पुलिस को सौंपते हुए FIR दर्ज कराई है। भोपाल के टीटी नगर थाने में दर्ज शिकायत में उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति ने उन्हें फोन पर धमकी दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच की जा रही है। यह पहली बार नहीं है कि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को जान से मारने की धमकी दी गई है। इससे पहले भी उन्हें कई बार हत्या की धमकी मिल चुकी है। और ये वीडियो भी देखा आपने तो अपनी राय जरूर दीजिएगा और बाकी ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। करो, तुम्हारा नाम ही बता दो, अगर फोन पे ही बोल रहे हो तो बता दो नाम कौन हो तुम। इकबाल कास्कर का आदमी बोल रहा हूँ। इकबाल कास्कर कौन है, ये कहाँ के हैं? देख लो मैडम, आपको मालूम पड़ेगा। अरे हैं कहाँ के कास्कर, ये तो बता दो। हमारी हत्या करोगे, क्यों करोगे भैया, क्या कारण है बताना जरा, क्या कारण है? एक्शन का रिएक्शन देख लेना, उसके बाद बात करना हमसे, ठीक है? अरे मैं कह रही हूँ कि कारण क्या, हत्या तो चलो कर देना, कोई बात नहीं, तुम्हारी बच जाएगी, तुम हमारी कर दो। कारण क्या है ये बताओ। मुसलमान के ऊपर जहर उगलना, मुसलमान को टारगेट बनाना। अच्छा, और मुसलमान क्या करते हैं? अमृत बरसाते हैं मुसलमान, अमृत बरसाते हैं। हमने क्या कहा जिसके लिए तुम्हें तकलीफ हो गई, क्या कहा जिसके लिए तकलीफ हो गई? अरे हमें कहाँ से मालूम पड़ेगा, तुम तो हमारी हत्या कर दोगे। हम तुमको सूचना देनी थी, दे दिए, ठीक है? अरे सूचना, अरे भाई जरा दम रखते हो तो कचल कतल तो कर देना, कोई बात नहीं, वो तो तुम्हारा धर्म है, ठीक है? अब मुझे ये बता दो कि काय चीज की तकलीफ हो गई तुम्हें, मार दोगे तो हमें फिर कैसे पता चलेगा, जिंदा है तब तक बता दो, बता दो। हमारा जो आदमी मारेगा वो आदमी हमको तुम्हारा को बताएगा। अरे तो वो तो हम मर जाएंगे, फिर कैसे बताएंगे? नशे में बोल रहे हो क्या है? नशे में हम क्यों बोलेगा, नशे में तुमको तुम्हारी हत्या होने वाली है, तुमको सूचना देनी थी, हमने दे दी। तुम्हारी इतनी औकात है तो तुम सामने आके बोल दो ना भैया, भाई मारने वाले हो तो सामने आके बोलो, जिगरा है तो जरा सामने बोलो। मारते हो सामने आके मारेंगे तुम्हारे, जब देखना जिगरा है क्या है। तुम्हारे अंदर जिगरा होता तो सामने आके बोलते, समझे? फालतू की बात करना नहीं, सामने आके मार। अरे चुप बे, चुप साले मियाँ की औलाद तेरी कटुए की,